तो मम्मी भाभी की नजर झाड़ रही। देखो हम अभी सो के उठे हैं और इन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया। वेरी गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह के 9:30 हो गए और बहुत अभी 2 दिन से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, कुछ काम चल रहे हैं घर में इस वजह से। और आज हमारा नोएडा जाने का प्रोग्राम है, आज एक मन्नी भैया है, उनका एग्जाम है तो उनको छोड़ने जाना है। वैसे तो वो ट्रेन से चले जाते लेकिन उनका एग्जाम शाम को छूटेगा 7:30 बजे के आसपास, तो आने में लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ने चल रहा हूँ, मैं ही लेके आ जाऊंगा। तो चलते हैं नोएडा, आज बहुत सारी मस्ती करेंगे, देखते हैं पहले अंदर क्या हो रहा है। तो मम्मी प्याज काटनी, क्या बना रही मम्मी आज? आज मटर पनीर की सब्जी बना रही। मटर पनीर? हाँ, मटर पनीर की सब्जी। अच्छा, वैसे दाल बन रही है मम्मी, झूठ बोल रही है स्वाती। दिखाऊं दाल? दिखाऊं? मम्मी कह रही हटाए दे वीडियो। मम्मी की चोरी पकड़ी गई। मम्मी अगर दाल बने तो दाल ही बताओ है। ठीक है, तो फिर ये तो वही बात हो गई, घर में खाया दाल और बाहर डकार मार रहे चिकन की बात। वैसे ये बात सही है कि क्यों किसी को अपना दुख बताएं, अपना बेशक सूखी रोटी खा लेकिन बाहर डकार ऐसी मारो कि समझ में आए लोगों को, यार ये तो आज चिकन मटर खा के हाल लग रहा, बहुत पैसा है। पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे, कर लो। पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं लेकिन पापा की सैलरी नहीं आई 3-4 साल से। एटलस कंपनी में काम कर रहे हैं पापा, वो 3-4 साल से सैलरी नहीं आई है, घर बैठे हुए हैं पापा, बताओ। पर खर्चे नहीं निकल रहे, कैसे निकलेंगे? और एटलस कंपनी बंद हो गई है लगभग, तो मालिक वगैरह भाग गए बिना पेमेंट दिए, तो जितने भी काम कर रहे थे वहाँ पे सब ने केस कर रखा है एटलस कंपनी वालों के ऊपर, तो अभी केस चल रहा है। 3 साल तो हो गए, अभी तक चवन्नी नहीं मिली है। जब केस खत्म हो जाएगा तब देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, और सारे उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा, मालिक भागा हुआ कहाँ से मिलेगा। तो पापा जा रहे हैं कोर्ट में, आज तारीख है, पापा की कंपनी वालों के ऊपर केस कर रखा है सैलरी का। आज हो जाएगा पापा जी काम है। अच्छा, तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं नोएडा, भाई का आज एग्ज़ाम है। 2019 में भाई ने फॉर्म भरा था और 3 साल बाद एग्ज़ाम आया, अब रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, तो उसके तो जब तक ये इसकी दाढ़ी नहीं थी तब इसने फॉर्म भरा था, अब दाढ़ी आ गई है तब एग्ज़ाम है। अब बाल दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी जब रिजल्ट आएगा, तो अपना सरकारी काम थोड़ा लेट होता है। और निकल चुके हैं हम लोग KMP के बहुत ही बढ़िया हाईवे पे, बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है पीछे, कैसा लग रहा है? तो आज हम भी चलते हैं नोएडा, मस्ती करते हैं, जब तक इनका एग्ज़ाम होगा तब तक हम 2-3 घंटे मस्ती कर लेंगे, है स्वाति चले। तो नोएडा पहुंच चुके हैं, नोएडा में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, काफ़ी दिनों बाद मेरे को बहुत याद आ रही है, हमारा फ्लाइट यहीं पर था मनीष भाई। हाँ, सेक्टर 76 पास में ही है, आप घूमने चलेंगे शाम को? बिल्कुल। तो गाइज हम लोग नोएडा आए हुए थे, उन भैया को एग्ज़ाम था उनका, उनको छोड़ने के बाद हम लोगों का नोएडा घूमने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर अचानक से भाभी का फ़ोन आ गया, उनकी पता नहीं क्या तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया कि आ जाओ भैया मेरी तबीयत ख़राब है, तो चलते हैं घर पे पहले, मैंने कहा घूमना तो बाद में हो जाएगा, पहले घर फैमिली वालों को देखते हैं, तो चलते हैं भाभी के पास। पहुँच गया हूँ घर, गली में ही खड़ा हूँ, बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली। बाबू हेलो। तो जूस लेने आए हैं, जूस ले लेते हैं भाभी के लिए। तो स्वाति को मैं घर पे छोड़ के आ चुका हूँ और मैं जूस लेने आया हुआ था क्योंकि भाभी बहुत कमज़ोर सी लग रही थी इस वजह से, और अब हम उनको लेके जा रहे हैं सोनीपत। सोनीपत में घर के पास ही हॉस्पिटल है, मित्तल हॉस्पिटल, वहाँ पर भाभी को दिखाएंगे, वहीं रहेंगी अब भाभी 1 हफ्ते के लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तो चलते हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं नोएडा में था तो इसीलिए गाजियाबाद जल्दी आ गया, नहीं तो और टाइम लगता तो दिक्कत हो जाती। तो अब जूस वूस पिलाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का खिलाते हैं ताकि थोड़ा भाभी को अच्छा लगे, और उसके बाद चलेंगे। सॉरी,
तो हम लोग कहाँ जा रहे बाबू? घर कहाँ पे है? अरे घर पे कहाँ जा रहे बाबा? गया कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? बाबा के पास। तो हम लोग चल चुके हैं बाबा पास जाने के लिए। कितना खुश हो रहा है। परी को गाड़ी में आती पता नहीं क्या साफ सूंघ जाता है, बोलती नहीं है। भाभी आ गई, भाभी परी 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 आ गई। नॉर्मल है बुखार। अब कल टेस्ट होंगे तब पता लगेगा। चलो बाबू ले आए मम्मी को हॉस्पिटल से। रानी बेटी है, राजा बेटा है। बहुत गंदा है पापा जी। हाँ मारता रहता है परी को। अच्छा भैया बाबू मिला। तो हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, अब रात के 11 बज गए हैं। भाभी को रेस्ट करने के लिए बोला गया है और खाना खाने का टाइम हो गया। मैं तो अपनी डाइट ले चुका हूँ। खाना खा लिया परी? क्यों, दो रोटी खाई बस? पागल पागल परी, अरे पागल परी डकार मार रहा है। परी बैठ जाओ तुम भी। सही है, चलो चलो। तो मम्मी भाभी के नजर झाड़ रही। भूत ये देखो अपने आप ही पाउडर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख के पाउडर लगा रहा है अपने आप को। ए हीरो लगा 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 ले मुंह पे लगा। कल देखो देखो मना कर दिया पाउडर। अब कल बाबू देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो मेरे बाबू कितना शर्मा गया। तो गाइस रात के 11:30 हो गए, अब सोने का टाइम हो गया और बच्चे खेल रहे हैं, अभी तक उनको नींद नहीं आ रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।